अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज हम आपसे बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के 5 प्राकृतिक तरीके के बारे में। बेबी कंसीव करने वाली महिलाओं के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल अच्छा होना बेहद जरूरी माना जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं के गर्भाशय को गर्भावस्था में तैयार करने के लिए हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी के कई सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसी तरह महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जिम्मेदार होता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के पहला तरीका है तनाव से दूर रहें। ज्यादा तनाव लेने से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी में कम होने लगता है। जब लेडीज ज्यादा तनाव लेती है तो इस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन शरीर से बाहर निकलने लगता है और कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ने से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बुरा असर पड़ता है। नंबर 2, डाइट में हेल्थी फैट लें, जैसे घी, तेल, ओलिव ऑयल, एवोकाडो इत्यादि। नंबर 3, अपने शरीर में पोषक तत्व की कमी को पूरा करें। अगर आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी है तो इससे भी आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होगा। खासकर अगर आपके शरीर में जिंक की कमी है तो इसलिए अपने डाइट में ब्राजील नट्स, अंडा और जिंक से भरपूर वेजिटेबल का सेवन करें। नंबर 4, पर्याप्त मात्रा में नींद लें। पर्याप्त मात्रा में नींद ना लेने के कारण बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल कम हो जाता है, इसलिए रात में 7 to 8 hours नींद जरूर लें। नंबर 5, कैफीन का कम से कम सेवन करें। कुछ लोगों को चाय और कॉफी पीने का ज्यादा आदत रहता है, लेकिन इससे शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ने लगता है। शरीर में कैफीन की मात्रा ज्यादा बढ़ने से कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल को कम करने का कारण बनता है, इसलिए चाय और कॉफी का कम से कम सेवन करें। अब हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए। कुछ खास वेजिटेबल को आप अपने डाइट में शामिल करके प्रोजेस्टेरोन लेवल हार्मोन को बढ़ा सकते हैं, जैसे पालक, पत्ता गोभी, बीन्स, कद्दू के बीज, बादाम, अखरोट, विटामिन सी वाला फल और अंडा। अगर आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम है तो आपको ये सब सिम्टम दिखाई देगा, जैसे मूड में बदलाव, इरेगुलर पीरियड, मिसकैरेज, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट में ढीलापन, सिर में दर्द, नींद की कमी, वजन बढ़ना और थकान महसूस करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल को बढ़ाने के 5 प्राकृतिक तरीके के बारे में जाना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। आपका एक लाइक एक शेयर मेरे उत्साह को बढ़ा सकता है, तो देर किस बात का है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। टेक केयर, गुड बाय।